अब चलते हैं आईटीडी की तरफ। आईटीडी सेमिटेशन ने तीसरी तिमाही यानी Q3 बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। 52% की शानदार ग्रोथ रही है आमदनी में और मुनाफा भी और एबिटा भी काफ़ी शानदार दुगने के आसपास हुए। मार्जिन 8 से बढ़कर 10% हुई और पिछले 9 महीने में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कंपनी ने ऑर्डर फ्रंट पे भी किए हैं। अगर आप देखें तो ऑर्डर इनफ्लो FY24 में टिल नाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। बातचीत करेंगे कंपनी के CFO प्रसाद जी से। प्रसाद सर बहुत बहुत स्वागत है और बड़े अच्छे नतीजे दिख रहे हैं, शानदार। मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से ये ग्रोथ मिली है, सरकारी वाले कौन काम काज से या प्राइवेट से? थैंक यू मुझे आपके चैनल पर इनवाइट करने के लिए। हमारा ऑर्डर बुक जो है उसमें करीब 30-35% प्राइवेट सेक्टर है और बाकी 65% के आसपास गवर्नमेंट और PSU के ऑर्डर्स है। तो हम एग्जीक्यूशन भी उसी प्रकार से देख रहे हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू में आ रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छी तरह एग्जीक्यूशन अभी काफी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उसका, तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे ग्रोथ में इस साल में। सर इतने शानदार नतीजे देखते हुए क्या गाइडेंस ऊपर करेंगे आप? इस साल का तो गाइडेंस हमने ऊपर कर ही दिया है, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 7,500 या उससे भी थोड़ा ऊपर हमारा रेवेन्यू इस साल का FY24 का हो सकता है। 7,500 करोड़, राइट सर? प्रसाद जी आपने 7,500 करोड़ बोला, आप रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। आपने कहा कि 7,500 करोड़ आपका रेवेन्यू रह सकता है, राइट सर? सही बात है, यस। ओके कूल। अब मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त आपकी टोटल ऑर्डर बुक है उसमें आपने एडिशन किया है 6,000 करोड़ के आसपास का। एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है गंगा एक्सप्रेसवे का, कुछ उसका पैच आप शायद यूपी में कर रहे हैं, उसमें क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुंचा और क्या स्थिति रहेगी उसकी? उसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। मॉनसून के महीने में थोड़ा उसका प्रोग्रेस स्लो रहा था, लेकिन मॉनसून के बाद हम देख रहे हैं कि काफी पिकअप हो रहा है वो प्रोजेक्ट में और अच्छी तरह से काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट में अभी। ओके, कितना बड़ा सा पैच है, उसमें से कितना सेगमेंट आप कर रहे हैं? करीब 150 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कर रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी करीब 12-14 महीने से हमने स्टार्ट कर दिया है और अभी मॉनसून के बाद हम देख रहे हैं कि उसका एग्जीक्यूशन भी पिकअप हो रहा है। ओके प्रसाद सर ये बताइए, आपने कहा 65% करीब आपके पास गवर्नमेंट से आता है, इंक्लूडिंग PSUs और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बाकी प्राइवेट में है। गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत ज़बरदस्त हुआ है पिछले सालों में, अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं गवर्नमेंट साइड में, प्राइवेट वाले में क्यों इतना कम है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ही होता है, जैसे मेट्रो डेवलपमेंट है या पोर्ट डेवलपमेंट है या इरिगेशन या टनलिंग के प्रोजेक्ट है, ये तो गवर्नमेंट कैपेक्स से ही होता है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि ये जैसे रोड्स का काम है या दूसरे पोर्ट्स का वगैरह, नए पोर्ट्स अगर आते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में देखा जाए तो गवर्नमेंट कैपेक्स से ही होता है ज़्यादा करके। नहीं मेरा सवाल सर इसलिए भी था क्योंकि प्राइवेट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट इतना पुश दिया कि अब हमारी वजह से शुरू हो जाए, तो आप चूंकि इंडस्ट्री वेटरन है आप बताइए क्या उधर अभी भी स्लो है क्या लोग? नहीं स्लो आप देखेंगे, नॉर्मली अगर पास्ट का हमारा पिछले 1-2-3 साल में अगर आप हमारा ऑर्डर बुक देखें तो करीब प्राइवेट सेक्टर 18-20% होता था जो अभी आज 35 के आसपास है, तो प्राइवेट कैपेक्स में भी हम थोड़ा इंक्रीज देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, एलिवेटेड मेट्रो या अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स है या टनलिंग के काम है, ये ज्यादा गवर्नमेंट और PSU के थ्रू ही होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसके लिए ओवर डिपेंड मतलब डिपेंडेंस ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ओके सर इस समय कितने प्रोजेक्ट है जिसपे आपने बिड कर रखा है और होपफुल है आपकी क्लोज हो जाएंगे आपके फेवर में, L1 वगैरह? वेल कभी जो हमने रिसेंट पास्ट में बिड किए हैं या अभी करने वाले हैं करीब 13-14 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी हम फोकस कर रहे हैं। ओके L1 कितने हैं उसमें सर? L1 तो अभी कुछ खास है नहीं क्योंकि दिसंबर तक हमारा ऑर्डर बुक कुछ 6,100 करोड़ था, उसके बाद जनवरी और फरवरी में हमको करीब 700 करोड़ के और काम मिले हैं। टोटल आपके ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की, राइट सर? 20,800 करोड़ की है, वो दिसंबर की फिगर है और दिसंबर के बाद हमको करीब 700 करोड़ के काम और मिले। ओके तो ये जो 13,000 करोड़ के आप बता रहे हैं इसमें आप फोकस कर रहे हैं, इसमें कितने क्लोज हो जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में?
सर ये तो बताना मुश्किल होगा क्योंकि ये टेंडरिंग प्रोसेस होता है और एग्जैक्ट टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है इसमें, बट हमारी उम्मीद यही है कि 31 मार्च के पहले अगर हो जाए तो इस साल में हम ऑर्डर उसको उसमें बुक कर सकें, बट टाइमलाइन बताना मुश्किल होगा। चुनावी साल में तो और तेजी से काम होता होगा और बहुत और सारे ऑर्डर निकलते होंगे, चलो फटाफट कंप्लीट करें, ऑर्डर कर दे। नहीं एग्जीक्यूशन में तो काफी मतलब स्पीड अप हो रहा है एग्जीक्यूशन, लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा तो थोड़ा अगले 3 महीने में शायद नए टेंडर्स और नए प्रोजेक्ट्स आने में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन एक बार इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हमको उम्मीद है कि दोबारा नया ऑर्डरिंग और यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दोबारा हो जाएगा गवर्नमेंट का। ओके आपके सर बाहर भी प्रोजेक्ट हैं, कई पोर्ट में आप काम कर रहे हैं, श्रीलंका में काम कर रहे हैं आप, जरा उसके बारे में मुझे बताइए, वहाँ पे पोर्ट है वो। अभी हम 2 प्रोजेक्ट्स इंडिया के बाहर कर रहे हैं, एक श्रीलंका में जो कोलंबो पोर्ट में जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसका काम हम कर रहे हैं, और रिसेंटली कुछ महीनों पहले हमको बांग्लादेश में एक मरीन प्रोजेक्ट मिला है, वो काफी इनिशियल स्टेजेस में है अभी, उधर एग्जीक्यूशन अभी हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट 1-2 महीने में। पोर्ट वाले में सर क्या काम कर रहे हैं और किस साइज का प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका वाला? श्रीलंका वाला करीब 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके और भी मिलने की उम्मीद है क्या? कौन है उसका सर ऑपरेटर जो श्रीलंका वाला है? श्रीलंका वाला है, उसमें अडानी है। ओके उधर अडानी है, और जो बांग्लादेश में वो वहां पर क्लाइंट है पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश, वो पावर ग्रिड के, और ये अडानी का ही पोर्ट है शायद वो। हाँ। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। आईटीडी सीमेंटेशन, जैसा कि सर बता रहे थे कि चुनाव के बाद भी ऑर्डर का सिलसिला जारी रहेगा, और अभी करीब 13,000 करोड़ प्रोजेक्ट हैं जिस पे ये फोकस्ड हैं, और वो धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने में इनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे, और ये इसीलिए स्टॉक का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दिखा और एग्जीक्यूशन लेवल पे है। गंगा एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, उसका एक पैच लगभग 150 किलोमीटर का इनके पास है जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। 329.70 पर समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है आईटीडी सेगमेंटेशन। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।